हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टेप अप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, क्लास 12 का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनेशन तक पढ़ लिया है, अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बेटा, उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग स्टेप अप एकेडमी की इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है बेटा? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि जो पॉलन है वो एंथर से रिलीज होगा और जाकर कहां पर लैंड करेगा? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, जाकर कहां गिरेगा? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टिग्मा के ऊपर कंपेटिबल पॉलन ही आकर गिरे। ठीक है, क्या? सो इट इज नॉट नेसेसरी, not necessary that always compatible pollen lands on the stigma, stigma के ऊपर कंपेटिबल पॉलन ही आकर गिरे ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। तो सर, अगर आप बोल रहे हैं कंपेटिबल पॉलन, तो ये भी बताइए कि इनकंपेटिबल पॉलन क्या है। कंपेटिबल पॉलन का मतलब अगर राइट टाइप पॉलन है तो इनकंपेटिबल पॉलन क्या है? व्हाट इज अ रॉन्ग टाइप पॉलन? ठीक है, और रॉन्ग पॉलन क्या है बेटा? रॉन्ग पॉलन या इनकंपेटिबल पॉलन? इनकंपेटिबल पॉलन क्या चीज है? तो बेटा, रॉन्ग पॉलन या इनकंपेटिबल पॉलन है पॉलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, पॉलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, या फिर अगर ये प्लांट सेल्फ इनकंपेटिबल है तो फिर अपने खुद के पॉलन को भी ये रॉन्ग पॉलन समझेगा या इनकंपेटिबल पॉलन समझेगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलन, सेल्फ पॉलन इनकंपेटिबल पॉलन कब है? जब प्लांट कैसा है? इफ प्लांट इज सेल्फ इनकंपेटिबल, सेल्फ इनकंपेटिबल। बेटा बात को समझना, यहां पर सेल्फ इनकंपेटिबिलिटी के केस में क्या होगा? अगर अपने ही फूल में से पॉलन आया है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर अपने ही पेड़ के किसी दूसरे फूल से आया है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इनकंपेटिबल पॉलन। ठीक है, अब अगर इफ compatible pollen lands on stigma, अगर बेटा compatible pollen stigma के ऊपर land करता है तो फिर क्या होगी? तो होगा बेटा acceptance। क्या होगा? acceptance, मतलब जो stigma है या जो pistil है उसको accept कर लेगा। ठीक, और क्या होगा इसके बाद? पॉलन का जर्मिनेशन या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, पॉलन जर्मिनेशन या फिर कह सकते हैं सर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। ठीक है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन इफ इनकंपेटिबल पॉलन, अगर मान लीजिए इनकंपेटिबल पॉलन लैंड करता है, इनकंपेटिबल पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा,
तब क्या होगा? तब हो जाएगा बेटा रिजेक्शन। क्या हो जाएगा? रिजेक्शन। और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, पॉलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ तब नहीं होगी। तो अगर कंपेटिबल पॉलन लैंड किया तो एक्सेप्टेंस, और अगर इनकंपेटिबल पॉलन लैंड किया तो रिजेक्शन। इनकंपेटिबल पॉलन है क्या, क्या हो सकता है, वो ये बता दिया आपको मैंने, ठीक। तो ये तो सर बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत बढ़िया। ये तो एक तरह से अपना खुद का स्वयंवर है इनका, ठीक है, कि ये चूज कर रहे हैं, राइट। ये जादू आखिर पॉसिबल कैसे होता है, और क्या सिर्फ इतना ही पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, आगे देखते हैं जरा, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर यहां पर पहली बात तो कि सर ये पॉसिबिलिटी कैसे हुई, कैसे जो पिस्टल है वो पहचान पा रहा है कि भाई यही पॉलन करेक्ट पॉलन है, राइट। सो दिस रिकग्निशन माने जो पहचान हो रही है बेटा, रिकग्निशन में दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक, चाहे एक्सेप्टेंस होगा चाहे रिजेक्शन होगा, रिकग्निशन ऑफ द पॉलन इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग, यही लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल, कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग होगा किसके बीच में बेटा, पॉलन और पिस्टल के बीच में कॉन्टिन्यूअस केमिकल डायलॉग होगा। और ये डायलॉग होने के बाद क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा। ये कुछ ऐसा है, समझिए, जैसे कि आप किसी एयरपोर्ट में आए, उतरे, ठीक है, और आप वहां पर क्या कर रहे हैं, उस जगह पर आप जैसे किसी जगह पर पहुंचे, मान लीजिए किसी जगह पर उड़कर गए, वहां उतरे, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए आपने, ठीक है, आपने क्या दिखाया, अपने डॉक्यूमेंट्स शो किए, ठीक, वहां पर जो ऑफिसर हैं उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, अच्छा ठीक है भाई आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, आप जा सकते हो, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, ठीक, वापस अगली फ्लाइट से वापसी, ठीक, मानिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया, ये उस तरीके की बात हो गई। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है यहां पर बिटवीन द पॉलन एंड द पिस्टल इज अ रिजल्ट ऑफ कंटीन्यूअस केमिकल डायलॉग, और इसी की वजह से क्या होगा, पॉलन जो है वो या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आइडियल कंडीशन में मान के चल रहे हैं कि सर चलिए एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, इफ द पॉलन इज एक्सेप्टेड, तब क्या होगा। अब बेटा क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो साइज में ग्रो करेगा, वो स्टिग्मा से ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेने लगेगा, एंड इट विल ग्रो इन साइज, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन ग्रोज इन साइज, समझना, ध्यान से देखना, ठीक है, ये है आपके पास स्टिग्मा, थोड़ा वाइड बना रहा हूं इसको मैं, ये है, और यहां पर सर मौजूद है, ये पाया जा रहा है, ये है हमारा प्यारा छोटू पॉलन, पॉलन ये जाकर यहां पर लैंड किया है, ठीक है। तो जब ये साइज में बढ़ेगा धीरे धीरे क्या होगा बेटा, अंदर की यहां पर दो सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं या तीन सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है, तो चले मान के चलते हैं दो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन सी होंगी, ट्यूब सेल और या वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल को ही क्या कहते हैं हम, ट्यूब सेल भी कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, या इसी को क्या कहते हैं, ट्यूब सेल कहते हैं, और ये कौन सी सेल हो गई, जनरेटिव सेल हो गई, जनरेटिव सेल, ठीक है। अब बेटा क्या होगा कि जो ये ट्यूब सेल है इट विल ग्रो इन साइज,
एंड किसी न किसी जर्म पोर से तो एक छोटू सा जर्म पोर बनाने का प्रयास किया जाए. लेट्स ट्राई टू मेक अ छोटू सा जर्म पोर. देखते हैं कहाँ से. हाँ, यहाँ से मिटा लिया हमने. चलो, हाँ, यहाँ पर एक जर्म पोर है. इस जर्म पोर से जो ट्यूब सेल है बेटा, वो क्या हो जाएगी, ग्रो करके बाहर आ जाएगी एक ट्यूब के फॉर्म में. ठीक है, वो अंदर से बाहर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब. तो यहां से इस तरीके से एक ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी. यहां से एक ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी. ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी, इसी में ही ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंड कर जाएगा. ट्यूब सेल का न्यूक्लियस डिसेंड कर जाएगा और जो जनरेटिव सेल है वो भी नीचे की तरफ डिसेंड कर जाएगी. और इस डिसेंडेंसी के दौरान जैसे से नीचे जाएगी जो जनरेटिव सेल है, इट विल माइटोसिस, इसकी माइटोसिस हो जाएगी और ये दो मेल गैमेट्स बना लेगी. तो इसके पीछे पीछे कौन आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे मेल गैमेट्स. ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस आगे और जनरेटिव सेल के डिविजन से बने हुए दो मेल गैमेट्स. तो ये पॉलन ट्यूब की इस प्रकार से क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी. राइट ठीक. तो यहां पर क्या हुआ सर, पॉलन एक्सेप्ट हो गया, पॉलन ग्रेन साइज में ग्रो हुआ. अब क्या होगा, ट्यूब सेल ग्रोज इन साइज एंड फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब. क्या बना ले रही है बेटा, पॉलन ट्यूब बना ले रही है. ठीक है, अगर पूछे बताइए पॉलन ट्यूब किससे कवर रह रही है, तो पॉलन ट्यूब बेटा ये आप देख सकते हैं पिंक कलर से मैंने इंटाइन बनाया था, ऑरेंज कलर से एग्जाइन बनाया था. तो ये पिंक कलर ही का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ बाहर आया है. तो ये जो कवरिंग है वो किसकी कवरिंग है, ये इंटाइन की कवरिंग है. अगर पूछे पॉलन ट्यूब किससे कवर होती है, तो किससे कवर हो रही है, ये इंटाइन से कवर हो रही है. ठीक, सो द ट्यूब सेल ग्रोज इन साइज एंड फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब. इसके बाद सर ट्यूब न्यूक्लियस descends into the pollen tube. Tube nucleus जो है वो pollen tube में गिर जाता है और generative cell अगर पहले से divided नहीं है तो अब divide हो जाएगी. ठीक है, और अगर पहले से divided है तो फिर पीछे पीछे दो male gamete आ जाएंगे. ठीक है, तो generative cell undergoes mitosis mitosis to form two male gametes. ठीक है, और male gametes भी descend कर जाते हैं pollen tube में. male gametes descend into the pollen tube. ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके जो ये डिवीजन हो रहा है, जो माइटोसिस हो रही है, जो जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स बना रही है, ये कब होता है, ड्यूरिंग द पॉलन ग्रोथ. जब पॉलन ग्रोथ हो रही होती है उसी के साथ ही साथ ये डिवीजन भी होता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा. छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो है कई बार काम में आ जाती है. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सर ठीक है, पॉलन एक्सेप्ट हो गया, पॉलन ग्रेन साइज में ग्रो हो जाएगा, ट्यूब सेल साइज में ग्रो होगी, पॉलन ट्यूब बना लेगी, पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस जो है वो पॉलन ट्यूब में गिर जाएगा. जनरेटिव सेल अगर पहले से डिवाइड नहीं किए, ध्यान रखना इसका, जनरेटिव सेल अगर पहले से डिवाइड नहीं किए तो क्या करेगी, माइटोसिस, दो मेल गैमेट बनाएगी और वो भी पॉलन ट्यूब में गिर जाएंगे. अब पॉलन ट्यूब क्या होगी, ग्रो करेगी. राइट, नाउ द पॉलन ट्यूब इज ग्रोइंग और ये जो जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, स्टाइल है. तो स्टाइल के थ्रू ग्रो करेगी. राइट, द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल. देखो बेटा, स्टाइल जो है, पहले आपको स्टार्ट में मैंने बताया था, स्टार्ट के लेक्चर में, कि स्टाइल जो है वो हॉलो भी हो सकती है और स्टाइल जो है वो क्या हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है. ठीक है, तो अगर हॉलो है तो वेल एंड गुड, पॉलन ट्यूब उसी के थ्रू आराम से ग्रो कर जाएगी. अगर सॉलिड है, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है जिससे कि उस सॉलिड स्टाइल को क्या किया जा सके, डिसॉल्व किया जा सके और उसके थ्रू ये रास्ता बनाते हुए निकल जाती है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ रही है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा सर, यहां पर बना लेते हैं एक
ओव्यूल बना लेते हैं। चलिए इस प्रकार से एक ओव्यूल बना लिया, मान लीजिए ये ओव्यूल है, दिस इज एन ओव्यूल, ठीक है। अब जो पॉलन ट्यूब है बेटा वो ग्रो करते हुए आएगी आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और क्या कहते हैं चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या होगा, नाउ द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। अब यहां पर देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात समझना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर करती है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं और इस बात को ध्यान रखिएगा, थ्रू द, अब यहां पर तीन रास्ते हो सकते हैं, जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकती है तीन तरीके से। एक बेटा वो एंटर कर सकती है चलाजल एंड की तरफ से, दूसरा वो एंटर कर सकती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, और तीसरा वो एंटर कर सकती है इंटीग्यूमेंट्स की तरफ से। तीनों रास्ते जो है वो टेकअप कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सी, इट कैन एंटर थ्रू द ओव्यूल थ्रू, इट कैन एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। तो सर एनसीईआरटी में माइक्रोपाइल क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, इसलिए क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्रेंस मोस्ट कॉमन है। और जब माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्रेंस होता है तो इसको कहते हैं बेटा पोरोगैमी, इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। टर्म याद रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर सकता है, चलाजा के थ्रू भी एंटर कर सकता है, और तब बोलते हैं क्या, चलाजोगैमी, क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी, ठीक है। और इसके अलावा इंटीग्यूमेंट के थ्रू भी एंटर कर सकता है, इंटीग्यूमेंट के थ्रू भी एंटर कर सकता है, तो इसको बोलते हैं हम मीजोगैमी, इट इज कॉल्ड एज मीजोगैमी। तो माइक्रोपाइल, चलाजा, इंटीग्यूमेंट तीनों में से किसी भी तरफ से एंट्री ले सकता है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे के जो इवेंट्स हैं वो आगे फर्टिलाइजेशन में देखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल इतनी बात आप समझें कि जब पॉलन लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर और वहां से जो इवेंट्स चालू हुए और पॉलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर एंट्री तक जितने इवेंट्स हुए ये सब बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस comes under pollen pistil interaction, ठीक है। तो all the events, events from pollen acceptance, pollen acceptance कब होगा, जब वो land करेगा stigma के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद events होंगे, ठीक, तभी pollen pistil interaction पूरी तरीके से आएगा। pollen acceptance and its, yeah, its name, pollen tubes entry all the events from pollen acceptance to, yaar kya ho raha hai, yes, to pollen tubes entry into the ovule are known as pollen pistil interaction. So क्या बोलते हैं, pollen pistil interaction, this is called as pollen pistil interaction. तो ये जो pollen pistil interaction है ये process एक dynamic process है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए रुकी हुई है, ठीक है, कि ये होगा तब ये होगा तब ये होगा, राइट। ऐसा मैंने आपको बताया जैसे लग रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, बट ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से होती है, बहुत डायनेमिकली होती है बेटा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। और अगर कोई आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडर है, जैसे आप ही हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडर,
ठीक है, किसी का भी मन कर गया कि यार मेरे गेहूं में इस तरीके के फूल निकलते तो मजा ही आ जाता, ठीक है, या कैसा हो अगर मेरे गेहूं से लाल रंग के फल निकले, ठीक, कुछ भी मन कर सकता है किसी का, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडर हो जाएगा बेटा। अब कोई आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडर है और उसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में अच्छी जानकारी है, वो जानता है कि मेरा ये प्लांट कौन से पॉलन को एक्सेप्ट करेगा, कौन से पॉलन को रिजेक्ट करेगा बेटा, तो उसकी ब्रीडिंग की प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी और वो अपने मन के हिसाब से इस प्रोसेस को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है, अपनी प्रोसेस को मैनिपुलेट भी कर सकता है, अपने प्लांट को बेवकूफ भी बना सकता है, ठीक, जब उसे पता है कि कौन सा पॉलन ये एक्सेप्ट करेगा और कौन सा पॉलन ये रिजेक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ब्रीडर, ये जो नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है बेटा किसके लिए, प्लांट ब्रीडर के लिए, किस चीज की, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो नॉलेज है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू द प्लांट ब्रीडर। अब एक चीज और बताता हूं आपको मैं, कि जो पॉलन ट्यूब की बेटा ग्रोथ हो रही है, पॉलन ट्यूब जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक, ये पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करता है बिकॉज ऑफ केमिकल अट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, एनसीईआरटी में आपके नहीं लिखा हुआ है, तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अकर्स कीमोट्रॉपिकली जो है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है बेटा, ठीक है, और इस जो ये कीमोट्रॉपी हो रही है जिसमें एक केमिकल की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो जो केमिकल है बेसिकली उसमें बेटा दो आयंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दो आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो कैल्शियम और दूसरा बोरॉन, ठीक है, तो पॉलन जर्मिनेशन में ये दोनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कैल्शियम एंड बोरॉन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलन ट्यूब ग्रोथ, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में आपके नहीं है बट इसको ध्यान रख सकते हैं आप। अब एक चीज और, सिफोनोगैमी बेटा क्या होती है, देखिए जब मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक एक ट्यूब के माध्यम से ले जाया जाए, ट्यूब के थ्रू ले जाया जाए, तो इसे कहते हैं सिफोनोगैमी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ट्यूब के थ्रू ही मेल गैमिट को जो है वो फीमेल गैमिट तक ले जाया जा रहा है, तो ये क्या है, सिफोनोगैमी है। तो एंजियोस्पर्म्स में आप याद रख सकते हैं कि कौन सी गैमी होती है, सिफोनोगैमी होती है, राइट, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे दैट इन एंजियोस्पर्म्स सिफोनोगैमी टेक्स प्लेस। तो पूरे ही पॉइंट लिख लें, इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेट reaches the female gamete, through a tube. कौन सी tube है? Pollen tube. इसी को क्या कहते हैं बेटा? Siphonogamy. This is called as siphonogamy, ठीक है। तो एक दो चीजें आपको एनसीईआरटी से बाहर की भी बताई हैं, बट दीज आर वेरी जनरल टर्म्स, ठीक है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। सो दिस इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, हमने पढ़ा कि पॉलन और पिस्टल के बीच में एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग होता है जिसकी वजह से वो या तो पॉलन को एक्सेप्ट करता है या तो वो पॉलन को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन की क्या होगी, साइज में ग्रोथ होगी, फिर ट्यूब सेल जो है वो एक पॉलन ट्यूब बनाएगी और नीचे की तरफ ग्रो करेगी, ठीक है, उसमें ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंट कर जाएगा, वेजिटेटिव सेल के पीछे जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, वो या तो मेल गैमेट में
पहले से बनी हुई है तो मेल गैमेट्स डिसेंड कर जाएंगे, अदरवाइज जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी और दो मेल गैमेट्स बनेंगे और वो भी पॉलन ट्यूब में डिसेंड कर जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा, ओव्यूल में एंटर करेगा। ओव्यूल में एंट्री तीन तरीके से हो सकती है, इंटिग्यूमेंट के थ्रू, चलाजा के थ्रू और मोस्ट कॉमन किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। अगर माइक्रोपाइल के थ्रू होती है तो बोलते हैं पोरोगेमी, ठीक है, राइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बेटा यहां तक की बात हो जाती है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैंने बात की थी आपसे आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडर की, ठीक है। तो आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग और उसके स्टेप्स क्या हैं और उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं उसकी बात करेंगे, राइट, ठीक है। तो पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पानी पीने के बाद अब अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने भी पानी वानी पी लिया होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक छोटा सा पैराग्राफ बेटा हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्यों कर रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो क्रॉप है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर चावल हो रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, हमें पता चला कि भाई बंगाल में कोई चावल हो रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो हम प्रयास करेंगे कि दोनों के बीच में क्या करा दिया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया जाए, यानी एक का पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पर क्या करा दिया जाए, ट्रांसफर करा दिया जाए, और जो प्रोजेनी, जो बच्चे अब इससे पैदा होंगे, उनके सीड्स को बोकर देखा जाए कि क्या हमें उससे बेहतर प्रोजेनी मिल रही है, उससे बेहतर प्रोडक्टिविटी मिल रही है या नहीं, ठीक है। तो बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं, फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्यों कर रहे हैं, फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब इसमें बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में जो इस चैप्टर में दिया हुआ है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है ये, ठीक है, यानी उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो दे रखी हैं। इसका जो मेन पार्ट था वो स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन में था, जो कि चैप्टर 9 हुआ करता था पुरानी वाले बुक में, अब उसको डिलीट कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप कराने चल रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप बेटा यहां पर होगा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जैसे अगर आप चावल के लिए, राइस के लिए आप इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं अपनी क्रॉप का, तो आप पहले क्या करेंगे, इसके जितनी वेराइटीज हैं उन सभी को कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे, जिससे जिस क्वालिटी के लिए, जिस कैरेक्टर के लिए आप ब्रीडिंग कराना चाहते हैं ये तो पता लगे कि आप जिससे ब्रीड करा रहे हैं वो सच में सुपीरियर है या उससे भी सुपीरियर वैरायटी अभी भी अवेलेबल है, जिससे आपका प्रोग्राम प्रॉपर हाइट्स को रीच कर सके, राइट, सफलता को प्राप्त करे, अच्छी सफलता मिले उसे। तो सबसे पहले वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, राइट। तो वेरिएबिलिटी को कलेक्ट कर सकते हैं आप पॉलन के फॉर्म में, जैसे पॉलन बैंक्स वगैरह, अलग अलग प्लांट्स की जो वैरायटीज हैं उनके पॉलन बैंक से पॉलन ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, हम क्या कर रहे हैं, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो भी आया उसकी पहले क्या करते हैं, थोड़ी स्क्रीनिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा बोकर देखते हैं भाई, ठीक, कि सच में ये वैरायटी में ये क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा क्या होता है, जो सेकंड स्टेप वो जर्म प्लाज्म की क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। और एक बार जब जर्म प्लाज्म की स्क्रीनिंग हो जाती है तो फिर हम पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये पेरेंट्स हैं जिनके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बाद हम कह सकते हैं सर थर्ड स्टेप कैन बी कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो देखो पुरानी वाली बुक में दिया था, थोड़ी बहुत ये कॉमन सेंस की बात भी है, तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको ये बात बता दी। अभी हमारे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है फोर्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप। जब आपने पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया तब अब आप क्या कराने वाले हैं, अब आप कराने वाले हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटा कि जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है उससे पहले भी कुछ स्टेप्स आते हैं, कहां पर, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स में। चलिए देखते हैं, तो अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हमने देखो पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब बेटा समझना, जैसे कि मान लीजिए कि केस
वन, केस वन और केस टू, ठीक है। आपको पेरेंट सेलेक्ट करने थे तो आपने एक को सिलेक्ट किया मेल पेरेंट, यह है सर मेल पेरेंट और यह है फीमेल पेरेंट, ठीक है, यह है फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट यहां पर केस वन में सिलेक्ट कर लिया आपने, केस टू में भी मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट बना लेते हैं। दिस इज मेल पेरेंट एंड दिस इज फीमेल पेरेंट, अब सर मेल पेरेंट को मेल पेरेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो प्लांट होगा जिससे हम क्या लेने वाले हैं, पॉलन। इससे क्या लेने वाले हैं, पॉलन। तो इससे हम बेसिकली हम इसमें प्रेजेंट जो फूल हैं उसके किस पार्ट से कंसर्न रहेंगे, जो स्टेमिन का पार्ट है उससे। और फीमेल पेरेंट, तो फीमेल पेरेंट से या फीमेल पेरेंट पे हम क्या कराने वाले हैं, पॉलिनेशन। फीमेल पेरेंट पर क्या कराने वाले हैं, पॉलिनेशन। तो यहां पर हम किस पार्ट से कंसर्न रहेंगे, यहां पर हम स्टिग्मा के पार्ट से कंसर्न रहेंगे। अब सर दो केसेस क्या हैं? देखो पहला केस ऐसा है बेटा कि जो फीमेल पेरेंट है उसमें जो फूल पैदा हो रहे हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फूल। और दूसरे केस में, दूसरे केस में जो फूल पैदा हो रहे हैं फीमेल पेरेंट के ऊपर वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। यहां पर ये फूल कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यहां पर ये कैसा है बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यहां जरा देखो, यहां पर हमने इसको फीमेल पेरेंट चूज किया है। आप बात को समझ रहे हैं बेटा कि इसी प्लांट के ऊपर सारे के सारे डेवलपमेंट होने हैं, आगे का सारा डेवलपमेंट इसी प्लांट के ऊपर होना है, राइट। तो ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इस प्लांट से तो हम सिर्फ क्या लेने वाले हैं, पॉलन। अगर मान लीजिए ये मेल प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है से, तो भी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये अपने आप को सेल्फ फर्टिलाइज करता रहे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर हमें इससे कोई मतलब नहीं, इस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होना, इससे हमें सिर्फ क्या लेना है, पॉलन। इससे हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉलन, ठीक है। तो इससे हमें क्या लेना है, पॉलन। पॉलन लिया हमने, कलेक्ट किया पॉलन और ले जाकर कहां गिराया, यहां पर ले जाकर कहां गिराया, यहां पर, ठीक, इस पर गिरा देंगे, ओके। लेकिन मान लीजिए ये जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, तो हमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, और वो काम करना पड़ेगा इससे पहले कि ये क्या गेन करे, सेक्सुअल मैच्योरिटी, बहुत अर्ली स्टेज में करना पड़ेगा। वो क्या, इसके बगल में ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, कर सकता है पॉलन, पॉलन। और ये पॉलन जाकर कहां गिर सकता है, हमारे स्टिग्मा पर। क्या हम ऐसा चाहते हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि जो हमने मेल पेरेंट सेलेक्ट किया है वहां से पॉलन हम इसके ऊपर गिराएं। अगर ये पहले ही फर्टिलाइज हो गया तो हमारा तो खेल खराब हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले, बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल पेरेंट क्या कर देंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ एंथर। लेकिन कब करेंगे ऐसा, जब सर ये फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बगल बगल में है, तो हमें ये नहीं चाहिए, नहीं तो ये पूरे प्रोग्राम को खराब कर देगा, ठीक है। हमें चाहिए इस क्रॉप में इंप्रूवमेंट चाहिए भाई, इस क्रॉप में इंप्रूवमेंट चाहिए, हम कैरेक्टर कहीं और से लेकर आ रहे हैं,
पहले ही वहीं से फर्टिलाइजेशन हो गया तो पहले वही ढाक के तीन पात पहले जैसी स्थिति रह जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, बोले भैया आपकी सेवा समाप्त। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। तो फोर्सेप्स का यूज करके इनको कट कर दिया जाता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है चुपचाप से। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये काम कब करना पड़ेगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले, बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, तब जाकर हमारा जो है प्रोग्राम आगे बढ़ सकेगा, अदरवाइज वो पहले ही खराब हो जाएगा, ठीक है। केस टू में क्या कहानी, तो केस टू में सर यहां पर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या यहां कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही समस्या आ सकती है सर कि अगर ये फूल ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर ये फूल ओपन हो रहा है तो हमें अपने स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी का वेट करेंगे। जैसे ही इस पर सेक्सुअल मैच्योरिटी आई, हमने क्या किया, यहां से पॉलन उठाया, यहां से पॉलन कलेक्ट किया और इसके ऊपर डस्ट कर दिया। और इसके ऊपर डस्ट करने के बाद बेटा हम क्या करते हैं, इसको पहना देते हैं कपड़े, इसको पहना देते हैं कपड़े। किस रंग के कपड़े पहनाए, ब्लू कलर के पहना देते हैं, चलो ठीक है। इसके ऊपर बेटा बटर पेपर से कर देते हैं बैगिंग, बटर पेपर से क्या कर देते हैं इसकी बैगिंग, ये क्या कर दिया हमने बैगिंग। ये क्या सर यहां नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यहां भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेकिन यहां क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन के बाद क्या करेंगे यहां पर बैगिंग, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और चीज करते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन बेटा, वो है यहां पर एक टैग भी लगा देते हैं जिस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस प्लांट के साथ क्या क्या किया गया है, एक टैग भी लगा देते हैं, ठीक, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यहां पर। और भी क्या कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं टैगिंग, दिस इज कॉल्ड एज टैगिंग। तो सर अगर वापस जाएं हम लोग यहां पर, तो हमने वेरिएबिलिटी को कलेक्ट कर लिया, जर्म प्लांट को स्क्रीन कर लिया, पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में कौन से स्टेप्स आ जाते हैं? तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में सर, इफ द पेरेंट, द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, इमैस्कुलेशन, क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, बैगिंग, फिर क्या होगी, बैगिंग, क्या है ये, बटर पेपर से उसको ढकना, और फिर टैगिंग, और फिर टैगिंग, टैग लगा देते हैं उस पर, सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, राइट। अब वेट करेंगे कि फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाए, फिर उसके बाद आगे के डेवलपमेंट्स होंस में, ठीक है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां जो याद रखने की है वो यही है कि इमैस्कुलेशन तभी करेंगे जब फीमेल पेरेंट में क्या हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। तो बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, यहां आपको फिगर से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है, क्लियर। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, राइट। तो फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं भाई, और डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है किसमें, ओके। तो अब फर्टिलाइजेशन पर आ जाते हैं, तो बेटा फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले देखिए हमने ये पहले पढ़ लिया है कि पॉलन ट्यूब जो है वो मोस्ट कॉमनली एंटर कर रही है कौन से रास्ते से, माइक्रोपाइल के रास्ते से, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल, पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल, और बेटा जब माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर करेगी तो एंटर करेगी किसी भी एक सिनर्जिड में, ठीक है, किसी भी एक सिनर्जिड में। अभी जो सिनर्जिड हमने देखा, तो सिनर्जिड में सेलुलर थिकनिंग्स पाई जाती हैं, और उन सेलुलर थिकनिंग्स को कहा जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है बेटा, ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को। तो फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की एंट्री को कौन गाइड करता है बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करता है, ठीक है। अब देखो पॉलन ट्यूब एंटर किया किसी भी एक सिनर्जिड में, ठीक है, तो ये भी नोट कर लेते हैं भाई कि पॉलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द
सिनर्जिड्स। तो किसी एक सिनर्जिड में क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, थोड़ा फिगर बनाते हैं। तो एम्ब्रियो सैक है ये, ठीक है। इस तरफ माइक्रोपाइलर एंड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में प्रेजेंट हैं सेलुलर थिकनिंग्स, जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कह रहे हैं। और यहाँ प्रेजेंट है हमारा एग, ठीक है। हियर इज द एग। अब जो पॉलन ट्यूब है वो आ रही है, पॉलन ट्यूब आ रही है ग्रो होकर, और ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगी किसी एक सिनर्जिड में। मान लेते हैं सिनर्जिड में एंटर कर रही है। अच्छा, पॉलन ट्यूब में क्या क्या कंटेंट्स हैं? तो बेटा आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस आ रहा है, और पीछे पीछे इसके दो मेल गैमेट्स आ रहे होंगे। पीछे पीछे क्या आ रहे होंगे? दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, ठीक। जब ये इसमें एंटर करता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि ये सिनर्जिड क्या कर जाएगी, डिजेनरेट कर जाएगी। फिर आगे जाकर ये पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट्स को यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, जहाँ जो डिजेनरेटेड सिनर्जिड था वहाँ पर ये डिस्चार्ज कर देगी बेटा। तो आगे ये जो कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो एक को हम यहाँ पर डिजेनरेट कर देते हैं, और ये कंटेंट्स हम यहाँ पर, ये रहा ट्यूब न्यूक्लियस, और यहाँ पर दोनों मेल गैमेट्स, ये यहाँ पर क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। तो जो पॉलन ट्यूब है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज करेगी अपने कंटेंट्स को, राइट। इसमें वैसे जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है बेटा, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है, ये क्या कर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। दिस ऑल्सो डिजेनरेट्स, ठीक है। अब हमारे पास दो मेल गैमेट्स हैं, तो ये पॉइंट्स हम लोग नोट भी कर लेते हैं। सो द इम्पैक्ट ऑफ पॉलन ट्यूब डीजेनरेट्स द सिनर्जिड। ठीक है, इसके बाद पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट्स को क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। सो पॉलन ट्यूब डिस्चार्जेस इट्स कंटेंट्स इन द एम्ब्रियो सैक में अपने कंटेंट्स को डिस्चार्ज कर देगी। तो ये वो कंटेंट्स हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये रहा एग। अच्छा, यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होगा बेटा? और सर यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, और इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, इस तरफ सर प्रेजेंट होंगे एंटीपोडल्स। तो जो ये एंटीपोडल्स हैं ये, और ये वाला जो सिनर्जिड है ये भी बेटा क्या हो जाने वाला है, डिजेनरेट ही हो जाने वाला है। आगे चल के ये भी डिजेनरेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये भी सब डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, त्रिवेदी नहीं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और एग, ठीक है, और उनके साथ होगा फ्यूजन। और जो फ्यूजन है, चूंकि यहाँ पर आप देखिए एक मेल गैमेट बेटा एक एग के साथ फ्यूज करेगा, और एक मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, तो दो जगह फ्यूजन होगा। इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा देखो क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये टर्म बेटा, और ये जो डिस्कवरी थी इसकी, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई नवाशीन, याद रखिएगा, ये नवाशीन ने इसको डिस्कवर किया था। अब इसमें हो क्या रहा है बेटा, दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होंगे यहाँ पर। पहला जो फर्टिलाइजेशन है, दिस इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, इसमें क्या होगा, वन मेल गैमेट प्लस वन फीमेल गैमेट, दैट इज द एग सेल, आई शुड राइट, ठीक है, एग सेल, और ये मिलकर बनाएंगे बेटा एक सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलोगे, जाइगोट,
जाइगोट डिप्लॉइड है, क्योंकि एग सेल क्या है सर, हैप्लॉइड, और मेल गैमेट भी क्या था, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इस वाले फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। और दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा तो हमारे सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट है सर, ये वाली जो बीच में सेल थी ना, राइट, दिस वाज द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट था, पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो एन प्लस एन वाला स्ट्रक्चर है, ये पोलर न्यूक्लियाई बेटा आपस में फ्यूज कर जाता है और ये बना लेता है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है ये होगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, या इसको कहेंगे सिनगैमी, सॉरी नॉट सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा सर, यहां पर जो एक मेल गैमेट है, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये बेटा फ्यूज कर जाएगा एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से, किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से बेटा। सेकेंडरी न्यूक्लियस और कुछ भी नहीं, बस जो पोलर न्यूक्लियाई थे एन प्लस एन, वो फ्यूज होकर बना लिया इन्होंने सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये एक 2n स्ट्रक्चर है और इससे बेटा बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इन शॉर्ट पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन। और जिस सेल में ये बना है, सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल को क्या बोलते हैं अब, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट। इस समय अब इसके बाद सेंट्रल सेल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल को कहा जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहां पर अब एक, अच्छा ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा, इसकी प्लॉयडी क्या होगी, 3n, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, राइट, इट इज अ ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करोगे तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है और वहां पर वो हैप्लॉयड होता है। यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है वह कैसा, ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि बताइए एक एंजियोस्पर्म है, उसकी लीफ सेल में 24 क्रोमोसोम है, बताइए उसके एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा। तो देखो, अगर लीफ सेल है बेटा तो वो डिप्लॉयड होगी, ठीक है, तो उसमें अगर 24 क्रोमोसोम है तो 2n इज इक्वल टू 24, तो 3n इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो अगर लीफ सेल है, ठीक है, तो लीफ सेल का मतलब है बेटा 2n इज इक्वल टू 24, ठीक, 24 क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल टू 24, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 12, तो अगर 3n पूछेंगे तो 3n इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, यानी कि एंडोस्पर्म में 36 क्रोमोसोम होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, AIPMT में भी हुआ करता था और अब नीट में भी रहेगा, ठीक, कि एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है भाई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चूंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर कहें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब आगे क्या होगा इनमें, अब आगे बेटा इनमें माइटोसिस होगी, डिवीजन होंगे, इक्वेशनल डिविजन होंगे और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में बदलेंगे। जाइगोट बदलेगा एम्ब्रियो में और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बदलेगी किसमें, एंडोस्पर्म में। ठीक है, और ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और इसके अलावा एंडोस्पर्म, ये चीजें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा, राइट, अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी से एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, ठीक है, एक भी चीज छूटी नहीं चाहिए बेटा, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।